So this is our second class of the topic love and homeopathy. Okay. शुरुआती पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एज ए होम्योपैथ, चूंकि आपकी रेमेडीज जो है वो पोटेंटाइज होने के बाद वो उनका जो काम करने का जो क्षेत्र है वो भौतिक यानी कि फिजिकल नहीं रह जाता है, ठीक है. कई अपने डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है कि दीज आर एनर्जी मेडिसिन, ठीक. तो हमको एज ए होम्योपैथ अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि हम माइंड की किसी भी स्टेट को, जस्ट लाइक जैसे बॉडी की स्टेट होती है कि बॉडी में कहीं फोड़ा हो गया, बॉडी में कहीं सूजन हो गई, बॉडी में कहीं बुखार हो गया, उसी तरीके से हमको माइंड के लेवल में देखना चाहिए कि गुस्सा, एंगर, जेलेसी, फियर, डिप्रेशन, ये सारी चीजों को हमको इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि जैसे कि ये उतने ही सब्सटेंशियल है कि जैसे कि कोई ग्रॉस पैथोलॉजी होती है, कोई भी ग्रॉस पैथोलॉजी, इस तरीके से देखना पड़ेगा. तो आगे हम बात करते हैं. हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू जो है इंसानी जिंदगी का, और वो है मोहब्बत, वो है लव. तो जो भी चीज़ें हैं इंसान की जिंदगी में उसके हमेशा दो पहलू होते हैं. आप हमेशा ध्यान रखें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एंड दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है. ये वही चीज़ आपके लिए बून वरदान बन जाती है, वही चीज आपके लिए अभिशाप बन जाती है, ठीक. बैलेंस में देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपनी रिपर्टरी में एक रूब्रिक, एक लक्षण दिया हुआ है सिंपैथी. अब अगर हम सोचें, अगर हम देखें, तो सिंपैथी होना, दया का भाव होना, एक कितनी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है कि एक आदमी के अंदर दूसरों को लेके सिंपैथी है. बट अगर ये सिंपैथी, लेकिन आप ध्यान रखना कि हमेशा चीजें रिजल्ट से जानी जाती हैं, प्रोसेस से नहीं जानी जाती. अगर मूर्खतापूर्ण तरीके से बिना नियम कायदे के सिंपैथी भी एक डिजीज हो जाती है. मान लीजिए आपके पास दो रोटी है, कोई भूखा आया, आप दयालु हो, आप सिंपैथी वाले हो, आपने बिल्कुल सिंपैथी का ऐसा आपके अंदर बहाव आया कि आपने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, आप उसमें बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से वो आपके ऊपर बिल्कुल यू ओवरवेलम्ड हो गया, और बिना सोचे समझे दोनों रोटी उठा के सामने वाले को दे दी आपने, अब आप खुद भूखे मर रहे हो. रिजल्ट क्या आया आपके लिए इस एक्ट का, ये जो आपने काम किया, लोगों की नजर में तो ये दयालुता का एक्ट है, बट होम्योपैथ, एक होम्योपैथ की नजर में या एक रिलीजियस एटीट्यूड से देखें तो दिस इज रॉन्ग. क्योंकि जो भी चीज अगर कोई रॉन्ग पैदा कर रही है, कोई भी प्रोसेस कोई गलत चीज पैदा कर रही है, रिजल्ट रॉन्ग आ रहा है, आप भूखे मर रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, मतलब वो रॉन्ग है. यहीं पे अगर आप हेल्दी होते और हेल्दी तरीके से आप सिंपैथी दिखाते, हेल्दी तरीके से आप दयालुता दिखाते कि आप एक रोटी खुद रखते और एक रोटी सामने वाले को देते, दोनों खाते, दोनों को थोड़ा पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा दोनों को सुकून मिल जाता, दैट इज व्हाट इज बैलेंस. या तो आप कंजूस होते, बिल्कुल भी नहीं देते, दैट इज ऑल्सो डिजीज. कंजूसी को, बुख्ल करने को हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में
उसकी आलोचना की गई है, उसको क्रिटिसाइज किया गया, बुरा बोला है। लाइफ इज इन ऑलवेज, आप जानना कि लाइफ इज इन बैलेंस। तो हमने तो उसी तरह के से कि इंसान की जिंदगी में कोई भी चीज अगर है तो वो पॉजिटिव उसका पहलू भी होता है, नेगेटिव भी उसका पहलू होता है। ठीक है, कुरान में एक सूरा है, सूरे फलक, उसकी एक आयत है कि मैं पनाह मांगता हूं पहली रोशनी के मालिक की, हर उस चीज की बुराई से जिसे आपने बनाया है। आपने जो भी चीज बनाई है उसकी बुराई से मैं पनाह मांगता हूं। अगर आपकी जिंदगी में जमीन जायदाद है उसके भी अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। कोई उसका अच्छा पहलू एंजॉय कर रहा होता है, कोई उसी को लेके लड़ाई झगड़े में कोर्ट कचहरी में मुब्तला होता है, मतलब उसको उसकी बुरी चीजें मिली हुई हैं। किसी के पास पैसा है तो वो उससे रिलेटेड बुरी चीजों में मुब्तला है, और कुछ लोग उससे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी चीजों में मुब्तला है। तो उसी तरीके से मोहब्बत जो है, जो एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही एसेंशियल, लव इज ए एसेंशियल नीड, एक बहुत ही जरूरी चीज है, इंसान की रूह की गिजा है, वो खुराक है मोहब्बत। लेकिन इसी की मैंने बोला ना, जो भी चीज है इंसान की जिंदगी में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। अगर वो चीज मोहब्बत आपके अंदर बीमारी पैदा कर रही है, लव ये इमोशन आपको बीमार कर रहा है, तो एज ए होम्योपैथ हमको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का कि हमारे पास इस चीज को भी ठीक करने की दवाएं हैं। ठीक है, और इसी के मुतालिक अपन ने बात करी थी अपने लास्ट यानी कि लव एंड होम्योपैथी के फर्स्ट लेक्चर में, जहां अपन ने बताया था कि नेट्रेम्यूर किस तरीके से, किस प्रकार के केसेस में, किस तरह के केसेस में हमको हेल्प कर सकती है। सो लिसन, आज अपन एक दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि इस तरह की चीजों की बहुत ही स्ट्रांग, मैं तो कहता हूं कि नेट्रेम्यूर से भी ज्यादा इसके केसेस आते हैं, नेट्रेम्यूर से भी ज्यादा। और ये नेट्रेम्यूर की एक्यूट भी कहलाती है, एंड दैट इज इग्नेशिया। लेकिन जब भी मैं किसी रेमेडी के बारे में बात करूं तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, खुदा के लिए मेरी आप लोगों से ये बहुत ज्यादा गुजारिश है कि आप रेमेडी को किसी प्रेजुडिस में मत बांध लेना। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा चल रही थी, मैं प्लेटिना का एक लक्षण बता रहा था। अपनी रिपर्टरी में, सिंथेसिस रिपर्टरी में एक रूब्रिक है हॉटी, हॉटी यानी कि घमंडी। उस घमंडी रूब्रिक के अंदर एक सब रूब्रिक है रिलीजियस हॉटीनेस, अपने धर्म को लेके घमंड। ठीक, उसमें एक ही दवा दी है, एंड दैट इज प्लेटिना। और ये घमंड हमको कैसे दिखता है, कैसे दिखता है? अपने साफ सुथरे होने का घमंड, अपने हिंदू होने का घमंड, अपने मुसलमान होने का घमंड, अपने क्रिश्चियन होने का घमंड, है ना, अपने नैतिक मॉरल होने का घमंड, अपने हाजी होने का घमंड, अपने नमाजी होने का घमंड, अपने दानवीर होने का घमंड कि हम कितने दान देने वाले हैं। ठीक, तो स्टूडेंट की तरफ से क्या जवाब आया कि सर प्लेटिना तो वैसे भी हॉटी होता है। अब ये हॉटी के, घमंडी के, अगर आपने उसमें बांध लिया प्लेटिना को, तो प्लेटिना के अंदर तो एक और बहुत स्ट्रॉन्ग लक्षण मिलता है, एंड दैट इज क्या है कि ट्रेवलर्स कॉन्स्टिपेशन। यात्रा के दौरान, ट्रेवलिंग के दौरान किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, प्लेटिना इज ए वेरी गुड रेमेडी। अब आप वहां ये ढूंढने जाओगे क्या ट्रेवलर कॉन्स्टिपेशन में कि पहले देख ले कि ये घमंडी है कि नहीं, उसके बाद देंगे प्लेटिना उसको? तो ऐसे प्रेजुडिसेस से
आप सही तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आप चूक जाएंगे, कंफ्यूजन बनेगा। इसलिए किसी रेमेडी को, किसी, जब मैं इग्नेशिया के प्यार मोहब्बत संबंधित प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूं, तो बस उसी में रहना। क्योंकि प्लेटिना, सॉरी इग्नेशिया, इग्नेशिया के प्यार मोहब्बत से संबंधित में बात कर रहा हूं, तो दूसरे से मत तोड़ना उसको, क्योंकि इग्नेशिया के अपने खुद के इतने जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। क्या कहते हैं, इग्नेशिया इज द रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन। एकदम ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी अगर सिम्टम मिलेगी आपको, यार ऐसे में तो ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत पेनफुल किसी को पाइल्स है, जरा से भी छूने में और रगड़ खाने में जिसमें बहुत तेज दर्द होता है, ऐसा आदमी अगर स्टिल और आराम से लेटा है तब उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन दौड़ भाग कर रहा है, चल फिर रहा है, तो उसको नहीं तकलीफ हो रही है, उल्टा। तो फिर वहां हम ये थोड़ी ना देखने जाएंगे कि ये आदमी घमंडी है कि नहीं, मेरी बात समझे। तो किसी भी रेमेडी को आप लोग बिल्कुल भी प्रेजुडिसेस में मत बांधना, क्योंकि आप प्रेजुडिसेस में बांधेंगे तो कंफ्यूज्ड रहेंगे, आपको इतने स्ट्रांग इग्नेशिया के सिम्टम है ये कि बिल्कुल एकदम पैराडॉक्स, पेट एकदम खाली लग रहा है, भूख लगी हुई है, पेट अच्छे से लग रहा है, खाली हो गया, आदमी पेट भर के खाना खा लिया, उसके बाद भी वैसी खाली लग रहा है। थर्स्ट ड्यूरिंग चिल, बुखार की इंटरमिटेंट फीवर की स्टेज में आमतौर पे जब चिल स्टेज होती है उस टाइम पे थर्स्ट नहीं लगती है, जब आदमी को बुखार चढ़ता है, हीट स्टेज होती है, आमतौर पे उसमें थर्स्ट होती है, लेकिन इग्नेशिया में बिल्कुल उलट, चिल स्टेज में उसको थर्स्ट लगती है। फेस इज रेड ड्यूरिंग चिल, चेहरा लाल तमतमाया हो रहता है चिल के दौरान, जो कि हीट स्टेज जो होती है उसमें तमतमाया होना चाहिए, बिल्कुल उलट। अगर पेनफुल साइड में कोई पेनफुल साइड है उसमें अगर अपन लेटे तो पेनफुल साइड टच होता है, दर्द होता है आमतौर पे, इसमें उल्टा है, पेनफुल साइड लेटने में सर दर्द, लाइंग ऑन पेनफुल साइड में बेटर होता है, आराम मिल जाता है। तो इस तरीके से ये एक इग्नेशिया एक पॉलीक्रस्ट है, इसके कई पहलू हैं, लेकिन जब हम प्यार मोहब्बत संबंधित सिम्टम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो सिर्फ प्यार मोहब्बत के बारे में ही सोचेंगे कि प्यार मोहब्बत का जो ये जज्बा है, ये लव, ये जो इमोशन है, ये किस तरीके से इंसान की जिंदगी में जब तकलीफ लाता है तो इग्नेशिया के द्वारा, इग्नेशिया से हम उसको आराम पहुंचा सकते हैं, हम उसकी तकलीफ दूर कर सकते हैं। ठीक है, सो हम जब इग्नेशिया पढ़ने चलते हैं, जब हम इग्नेशिया के बारे में बात करने चलते हैं, पढ़ने चलते हैं, उसकी खोजबीन करने चलते हैं, तो जितने भी अपने महान और बड़े डॉक्टर्स हुए हैं, जब हम उनके लिटरेचर्स के थ्रू जाते हैं, जैसे डॉक्टर HCLN हो गए, एलेंस की नोट वाले, डॉक्टर क्लार्क हो गए, डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका वाले, डॉक्टर हेरिंग हो गए, गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका वाले, डॉक्टर लिप्पे हो गए, रेड लाइन सिम्टम्स वाले, ये जितने भी हैं, है ना, डॉक्टर बोइन हसन हो गए, डॉक्टर ब्रोगर हो गए, ये सब लोग एक बात कहते हैं और एक बात एक की तरह कह के चुप हो जाते हैं। डॉक्टर HCLN कहते हैं भैया कि बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड लव, ठीक है ना, डिसअपॉइंटेड लव की कंडीशन समझ लेना, डिसअपॉइंटेड लव आपको रूब्रिक तभी लेना है जब पेशेंट की हिस्ट्री में आपको यह देखने को मिले कि उसका कोई प्रेम प्रसंग था, उसका किसी से कोई मोहब्बत थी, और उस मोहब्बत को लेके आदमी ने अपने भविष्य को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बड़े बड़े सपने संजो लिए,
कि हम अपनी जिंदगी ऐसे काटेंगे, फिर हम अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर हम इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करेंगे, ऐसे बिल्कुल एकदम पूरा आदमी। और अचानक से क्या हुआ, कोई दुर्भाग्य, कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन घटित हो गई, ऐसा कुछ हो गया जिससे कि वो प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। सारा जो उम्मीद लगाई थी, सब जो सोच के रखा था, बड़े बड़े सपने जो बना के रखे थे अपनी लव लाइफ को लेके, वो टूट गए। उसके बाद अगर कोई बैड इफेक्ट्स आए, उसके बाद से अगर कोई समस्या आए, तो इग्नेशिया के बारे में, इग्नेशिया क्या बोले डॉक्टर SCLN ने, कि बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड लव। लेकिन बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव में और भी रेमेडीज हैं प्रोमिनेंट, हायोसाइमस है, नेट्रम्यूर है, केल्केरिया फॉस है, इस तरीके की और भी रेमेडीज हैं। लेकिन इग्नेशिया में ऐसा क्या है, ये समझ में नहीं आया इनकी ये बात सुन के, क्योंकि एलेंस की नोट है इनकी और इनकी सारी बातें की जैसी है कि आपको की के तौर पे याद होनी चाहिए और उस की के पीछे की इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। डॉक्टर क्लार्क ने भी कह दिया कि बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड लव, डॉक्टर लिप्पे ने भी कह दिया, डॉक्टर बोरिक कहते हैं अनहैप्पी लव, अरे अनफॉर्चुनेट लव, ऐसी मोहब्बत जो कि परवान नहीं चढ़ सकी या जिसमें आदमी की किस्मत ने साथ नहीं दिया, बदकिस्मत रहा वो अपनी मोहब्बत, अपनी लव लाइफ के बारे में। डॉक्टर बोगर अपनी सिनॉप्टिक की में कहते हैं अनहैप्पी लव, ऐसी मोहब्बत जिसमें आदमी खुश ना हो। देखो HCLN जब कह रहे हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड लव, मतलब समझना कि मोहब्बत हुई थी, सपने बुने गए थे और वो किसी वजह से वो सपने टूट गए, माँ बाप ने शादी होने नहीं दी या कुछ भी हो गया, ब्रेकअप हो गया, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, इग्नेशिया एक आइडियलिस्टिक पर्सन होता है, अपन है ना, एक रोमांटिक, यंग गर्ल्स हु आर वेरी रोमांटिक एंड हु फॉल्स वेरी इजीली इन लव। जब हम डॉक्टर फाटक की मटेरिया मेडिका में देखते हैं, डॉक्टर फाटक की मटेरिया मेडिका में और भी डॉक्टर हेरिंग, कई डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है सीपीआर के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एक जगह जब हम डॉक्टर हेरिंग को पढ़ते हैं तो डॉक्टर हेरिंग अपनी गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में इग्नेशिया के बारे में बताते हैं कि फॉल्स इजीली इन लव इज रोमांटिक, ऐसे लोग जो बहुत आसानी से मोहब्बत में पड़ जाते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां कम उम्र में 2-3 बार मोहब्बत में पढ़ने के चक्कर में घर में पिट चुके होते हैं, उसके बाद भी नहीं मानते, ठीक है ना। ये इग्नेशिया टाइप के लोग होते हैं। तो याद रखना कि एक तो डॉक्टर HCLN, डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर लिप्पे क्या बोल रहे हैं, बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड लव। लेकिन डॉक्टर बोगर अपनी सिनॉप्टिक की में एक चीज क्या बोलते हैं, अनहैप्पी लव। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। अनहैप्पी लव मतलब आदमी मोहब्बत में तो है, उसकी रिलेशनशिप चल रही है, लेकिन वो उसमें खुश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह बहुत अच्छा इसके बारे में आप समझना, ये जो डॉक्टर बोगर ने अपनी सिनॉप्टिक की में कहा है, इसको एक जगह अपने यहां हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छे, बहुत पुराने डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने वर्क से, अपने कामों से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा इंस्पायर किया है, है ना। बल्कि होम्योपैथी की फील्ड में आज जितने भी बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में हैं, उनमें एक वो एक अच्छी और बड़ी शख्सियत है, और वो है डॉक्टर फारूक जे मास्टर, ठीक है ना। डॉक्टर फारूक जे मास्टर का मुझे एक जगह जब वो इग्नेशिया के बारे में, ये जो डॉक्टर बोगर ने अपनी सिनॉप्टिक की में बस इतना बोल दिया ना कि अनहैप्पी लव, वो किस तरह का होता है उसको उनने
बड़ा अच्छा अपनी एक बुक में जो उन्होंने लिखी है, इग्नेशिया के ऊपर ही लिखी है, उसकी बुक का नाम ही है कि सेंट इग्नेशियस बीन, इग्नेशियस बीन। ये जिस चीज से बनती है ना इग्नेशिया, एक बीन से बनती है, और उस बीन का नाम है सेंट इग्नेशियस बीन। संत इग्नेशियस हुए थे, उनके नाम पे रखा गया है इस बीन का नाम, उससे ये बनती है इग्नेशिया। तो उसके बारे में ये कहते हैं, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इग्नेशिया की लेडीज जो होती हैं, डॉक्टर फारूक जी मास्टर कहते हैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, वो एक तो आइडियलिस्टिक आदर्श टाइप के होते हैं, रोमांटिक टाइप के होते हैं, तो अपनी कल्पनाएं भी उसी तरीके से करते हैं कि हमारा जीवन साथी बिल्कुल आदर्श होगा, है ना। मतलब जैसे कि हीरोज होते हैं, हीरोज भाई कैरेक्टर का भी बहुत स्ट्रांग है ना, व्यवहार में भी बहुत वो है ना, और मोहब्बत वगैरह सब चीजों में ईमानदार है, सब चीजें ये इस तरीके से आइडियलाइज करते हैं, करती हैं। लेकिन जब शादी हो गई और उसके बाद मतलब अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में, ये डॉक्टर फारूक जी मास्टर का विचार है, ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं कि मतलब परफेक्ट होना चाहिए हर तरीके से, सामाजिक रूप से भी हमारा हस्बैंड परफेक्ट हो, व्यवहारिक रूप से भी हमारा हस्बैंड परफेक्ट हो, हर चीज। अब यहां पे कमियां दिखने लग जाती हैं, कुछ समय गुजरा, शादी हो गई, साथ में रहने लग गए, कुछ समय गुजरा और कुछ समय में गुजरा कि भैया ये आदमी तो यार क्या कहते हैं, पंक्चुअल नहीं है, अपना काम ढंग से नहीं करता है, अक्सर काम धंधा छोड़ के अपने दोस्तों यारों के साथ घूमता है, इधर उधर पार्टी मनाते फिरता है, या सिगरेट पीता है, या शराब पीता है, या ड्रग्स लेता है, तो अब ऐसी कंडीशन है और वो अपनी लव लाइफ में फिर वो दुखी रहने लग जाता है, अनहैप्पी रहने लग जाता है। तो कोई प्यार मोहब्बत के संबंध में है लेकिन वो उसमें खुश नहीं है अपने पार्टनर की किसी ऐसी हरकत की वजह से, और अब वो कोई परेशानी या कोई बीमारियां आपके पास लेके आ रहा है, और ये एक उसकी जिंदगी का प्रोमिनेंट चलता हुआ फैक्टर है, तो आपको इग्नेशिया के बारे में सोच सकते हो। इन्हीं सब चीजों को ब्रेकअप लेके हो जाता है। ठीक है ना, इग्नेशिया के लेडीज जो हैं, उनके जो डिवोर्स होता है, उनका जो रिलेशनशिप का ब्रेकअप होता है, उसमें अक्सर या बहुत ज्यादा जो वजह होती है वो सामने वाले पार्टनर की के लिए जो उनने अपनी एक आइडियल इमेज बना के रखी है, वो उसमें जब फिट नहीं होता है, जैसे कि शराब पीता है, अनसोशल एलिमेंट है, ठीक, अपना काम धंधा ठीक से नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियां बच्चों के प्रति पूरी नहीं करता। अक्सर इग्नेशिया टाइप के लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि भैया वो तो क्या है, बच्चों की वजह से हम ये इनके साथ पड़े हुए हैं, शादी में हैं बच्चों का मुंह देख के, नहीं तो क्या कहते हैं, हम तो कब का डिवोर्स ले लिए होते। दे आर नॉट हैप्पी इन देयर रिलेशनशिप, अनहैप्पी लव। जब डॉक्टर बोगर अपनी सिनोप्टिक की में कहते हैं अनहैप्पी लव, है ना, और एक जगह डॉक्टर एलन ने क्या कहा है, डॉक्टर हेनरी क्लार्क ने क्या कहा है, डॉक्टर लिप्पी ने क्या कहा है कि बैड इफेक्ट्स। अब अपन ने सुन तो लिया कि भैया कि डिसअपॉइंटेड लव होने से, मोहब्बत परवान ना चढ़ सकने की वजह से अगर डिसअपॉइंटमेंट हो गया तो और भी दवाएं हैं, तो ये कैसे काम में आती है इग्निशिया, किस तरीके से काम में आएगी। तो एक जगह बड़ा अच्छा डॉक्टर हेरिंग बताते हैं, डॉक्टर हेरिंग कहते हैं कि मेलानकोली आफ्टर डिसअपॉइंटेड लव। अब ये मेलानकोली क्या होती है, मेलानकोली एक ऐसी उदासी की, ऐसी सैडनेस की कंडीशन होती है जिसमें आदमी बहुत सीरियस नजर आए,
बहुत डीप, जैसे कि वो उसी उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी उसी के बारे में सोच के बिल्कुल गंभीर हो गया है, ठीक है ना। पहले जिन चीजों में वो एंजॉय करता था, जिन चीजों में उसको शौक था, जिन चीजों का, जैसे कि उसको मान लो डांस करने का शौक हो, उसको गाने सुनने का शौक हो, उसको कोई टीवी या मूवीज देखने का शौक हो, ये सारे शौक से उसका मन हट जाता है। इसलिए अगर आप अपनी रिपर्टरी में निकालें एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, माइंड चैप्टर में आप निकालें रूब्रिक एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट के अंदर दिया हुआ है एवर्जन टू, एम्यूजमेंट मनोरंजन किसी भी तरह का उसको इच्छा नहीं होती, मतलब मन नहीं होता है। पहले तो यार तुम बहुत शौकीन थे यार, तुम्हारे पास तो गाने का इतना अच्छा कलेक्शन नहीं, अब मन नहीं होता है, एकदम सीरियस हो गया वो आदमी ऐसी किसी घटना के बाद, और दुखी रहता है, उसी उसी बारे में सोचता रहता है। देखने में ऐसा लगता है यार कितना गंभीर और कितना चिंतित हो गया ये आदमी उसके बाद से। तो ऐसा अगर आदमी दिखे, अगर किसी की जिंदगी में मोहब्बत को लेके, लव को लेके डिसअपॉइंटेड हो जाए, तो यू थिंक अबाउट इग्नेशिया, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, एक चीज और बोलते हैं डॉक्टर हेरिंग, कि दिस सिम्टम, ये जो है डिसअपॉइंटेड लव के जो इफेक्ट्स हैं, कंबाइंड ऑलवेज, हमेशा क्या बोल रहे हैं डॉक्टर हेरिंग, ऑलवेज कंबाइंड विथ स्पाइनल सिम्टम्स। और स्पाइनल सिम्टम्स कैसे आते हैं, स्पाइन रिलेटेड, क्या होते हैं स्पाइन रिलेटेड सिम्टम्स, ट्विचिंग, कहीं पे भी ऐसे ट्विचिंग हो रही है, कोई सदमा लगा, कुछ सुने और ऐसे ट्विचिंग होने लगी, या उसके बाद से कहीं ट्विचिंग होना, ऐसे फड़कना, कैटेनेप्सी हो जाना, बेहोश होके गिर जाना और एकदम ऐसे ऐड जाना, झुंझुनी आना, ये स्पाइनल सिम्टम्स, ठीक। या फिर अगर आप किसी का केस ले रहे हैं, वो अच्छा खासा दिख रहा है, बढ़िया, कि उसको कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया अपनी जिंदगी में चल रहा है, लेकिन कि कोई बीमारी लेके आया है, और आपके अंदर अगर बढ़िया आर्ट है केस टेकिंग का, आप घुस पाए और पता चला कि यार इसकी जिंदगी में तो ऐसा एक है जिसका इसको बहुत अफसोस है कि इसकी कोई मोहब्बत थी वो परवान ना चढ़ सकी, लेकिन देखने में उसको कोई कह नहीं सकता कि ये दुखी है, तो अंदर जो ये चुपचाप पाले रहते हैं इस दुख को, साइलेंट ग्रीफ, अनहैप्पी लव विथ साइलेंट ग्रीफ, अंदर ही अंदर आदमी दुखी रहता है। हंसता हंसता खेलती आई वो लेडी, है ना, बढ़िया अपने बीवी बच्चों के, बच्चों और हस्बैंड के साथ, हस्बैंड बाहर बैठा हुआ है, अंदर वो अपनी प्रॉब्लम बता रही है आपको, कोई भी प्रॉब्लम बता रही है, और अचानक वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं खुश नहीं हूं, है ना, वो तो ये बच्चों का चेहरा देख के मैं शादी में टिकी हुई हूं, नहीं तो कई कब का मैं डिवोर्स ले लेती, है ना, क्योंकि ये आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं है, इसको हर दूसरे दिन अपने दोस्तों के साथ जाना है, शराब पीना है, पार्टी करना है, बीवी बच्चे क्या हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, इनको कोई ध्यान नहीं रहता, और अब ऐसे में इसको प्रॉब्लम आ रही, अनपिलम, और ये अंदर अंदर दुखी रहती। ठीक है, डॉक्टर हेरिंग एक चीज और बताते हैं, चलो, डिसअपॉइंटेड लव के होने वाली दिक्कत समझ में आ गए, किसी मोहब्बत के रिलेशनशिप में है वहां सुख खुश नहीं है समझ में आ गया, कैटालेप्सी होती, स्पाइनल सिम्टम होते समझ में आ गया, लेकिन एक और चीज बोलते हैं डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर हेरिंग बोलते हैं कि अनरिक्वाइटेड लव, पेन एंड पेनल्टी ऑफ अनरिक्वाइटेड लव, एक तरफा मोहब्बत से कोई तकलीफ पा रहा है, कई लोग होते हैं एक तरफा मोहब्बत कर बैठते हैं किसी से और उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता है, लेकिन ये एक तरफा मोहब्बत में ही दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में है कि यार सामने वाला कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, और इसको लेके डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। इग्नेशिया उसको इस कंडीशन से निकाल सकती है,
ठीक है ना, इस एक तरफा मोहब्बत को लेके बड़ा अच्छा है। डॉक्टर फाटक अपनी मटेरिया मेडिका में क्या कहते हैं, ऐसी लड़की, इग्नेशिया के बारे में जब लिखते हैं डॉक्टर फाटक, डॉक्टर फाटक अपने बुक में, तो लिख सुनो ध्यान से, वो ये लिखते हैं कि ऐसी लड़कियां, गर्ल्स हु फॉल इन लव विद मैरिड मैन, ऐसी लड़कियां जो किसी शादीशुदा आदमी के, शादीशुदा पर्सन के मोहब्बत में पड़ जाती है, वहां से कुछ मिलना नहीं है, वो आदमी भैया अपनी फैमिली में खुश है, अब आप उससे इंप्रेस हो गई और आपको मोहब्बत हो गई उनसे, आपने कुछ ऐसा किया तो उसने समझा दिया या डांट दिया, भैया ये क्या है फालतू की बातें, अपनी जिंदगी देखो भाई, है ना, मैं अपने शादीशुदा आदमी हूँ, अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में हूँ, लेकिन ये परेशान हो रहा है। डॉक्टर केंट, हम अब ये जो अपन ने बात करी ना, जो डॉक्टर फाटक ने कही, इसको मजबूती देने के लिए, इसको और बारीकी से समझने के लिए हम डॉक्टर केंट का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डॉक्टर केंट ने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है इग्नेशिया, उनकी जब अपन खोलते हैं होम्योपैथिक लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, उसमें डॉक्टर केंट कहते हैं, देखना कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, डॉक्टर केंट का तो मैं फैन हूं, उनके एक्सप्लेनेशन का मैं फैन हूं। डॉक्टर केंट कहते हैं, अ सेंसिटिव गर्ल, एक संवेदनशील लड़की, दो शी वुड नॉट लेट एनीवन, हालांकि उसने किसी को मालूम चलने नहीं दिया है, बट हर मदर नो ऑफ इट, लेकिन उसकी मां को पता है, फॉल्स इन लव विद ए मैरिड मैन, एक शादीशुदा आदमी की मोहब्बत में पड़ गई, अब उस एक तरफा मोहब्बत में ये रात रात भर सुबकती है, रोती है उसकी याद में, वो कहती है अपनी मां से कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, लेकिन क्या कहते हैं, पता नहीं मेरे दिमाग से वो जाते ही नहीं है, मेरे को उसकी बहुत याद आती है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, बल्कि वो है नहीं, वो अपना आउट ऑफ टाउन है, कहीं पे भी है। बोल रहे डॉक्टर केंट कि एट अदर टाइम्स अ मैन इंटायरली आउट ऑफ हर स्टेशन, मतलब वो अपना है भी नहीं उसके सामने, कहीं दूर है या कहीं दूर रह रहा है, उसके बावजूद भी उसकी वो उसका सेंसेस काम नहीं करते, बस उसके दिमाग में उसका ख्याल जाता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो डॉक्टर केंट कहते हैं, अगर केस बहुत नजदीक का है, केस अगर बहुत पुराना नहीं है, अगर इफ इट इज वेरी रिसेंट, तो इग्नेशिया बैलेंस्ड अप दैट गर्ल्स माइंड, इग्नेशिया उसके जो उसका इंटेलिजेंस घास चरने चला गया है, उसके इमोशंस के से ओवरवेल्ड होने के बाद, आच्छादित होने के बाद की वजह से काम नहीं कर पा रहा उसका विवेक इंटेलिजेंस, इग्नेशिया अगर इस तरह का केस बहुत रीसेंट है, बहुत अभी अभी का है, ज्यादा पुराना नहीं है, तो इग्नेशिया उसको, उस लड़की के माइंड को बैलेंस कर देगी, इग्नेशिया देने के बाद उसका इंटेलिजेंस फ्री होगा, वो सोच पाएगी कि मैं क्या बेवकूफी कर रही हूं, इसमें तो मेरा कोई भविष्य है ही नहीं। और डॉक्टर केंट कहते हैं, और अगर नहीं तो फिर नेट्रम्यूर इसका फॉलोवर बन के आती है, थोड़ा केस पुराना हो गया है, थोड़ा मजबूत हो गया है, और वैसे भी इग्नेशिया की क्रॉनिक है नेट्रम्यू। यहीं पे एक और अपने यहां डॉक्टर हुए, बहुत कम लोगों ने उनका नाम सुना है, लेकिन उनने वो भी बहुत अच्छे वर्क्स करके गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे वर्क किए उनने, दो तीन चार उनकी बुक्स हैं, उसमें उनकी एक बुक है, डॉक्टर टीपी चटर्जी, डॉक्टर टीपी चटर्जी अपने यहां हुए एक डॉक्टर हिंदुस्तान में, उनकी एक बुक है माई मेमोरेबल क्योर्स, मैंने जितने भी क्योर किए हैं आज तक, उसमें कुछ मेरे यादगार क्योर्स जो मेरे लिए यादगार बन गए, उनको उन्होंने वहां पे उसका संकलन किया है, उन केसेस को अपने बताया है डॉक्टर टीपी चटर्जी ने उस बुक में, माई मेमोरेबल क्योर्स में, उसमें एक केस डिसअपॉइंटेड लव का,
वो डिस्कस करते हैं डॉक्टर टीपी चटर्जी। डॉक्टर टीपी चटर्जी बोलते हैं कि एक 24 साल की लड़की उनके पास आई, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, ये सन 1984 की बात बता रहे हूं, 84। और वो आई किस लिए इनके पास, ये 24 साल की एक यूनिवर्सिटी की में पढ़ने वाली लड़की आई इसलिए कि वो उदासी और डिप्रेशन के इलाज लिए। और ये डिप्रेशन और ये उदासी कब हुआ, कब से हुई थी उसको, जब से उसका उसके प्रेमी से सेपरेशन हो गया था, ब्रेकअप हो गया था। वो जो उसका प्रेमी था वो उसको चुपचाप बिना कोई रीजन या ऐसा कुछ बताए बस वो चला गया था छोड़ के। वो लड़की उस लड़के की मोहब्बत में कम से कम 6-7 महीने से थी, 6-7 महीने से उनका लव रिलेशनशिप, प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो उसको बहुत चाहती थी, वो लड़की उसको बहुत चाहती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, ठीक है, और वो चाहती थी कि यार मेरी इससे जल्द से जल्द शादी हो जाए, ऐसा चाहती थी वो लड़की। लेकिन वो ऐसा, वो चला गया, सेपरेशन हो गया उससे, उसका दिल टूट गया। डॉक्टर साहब टीपी चटर्जी कहते हैं कि इस घटना से उसका दिल टूट गया, उसको लाइफ में जितनी भी चार्म है, लाइफ में जितना भी आदमी इंटरेस्ट लेता है, उन सब चीजों से उसका चार्म, शी लॉस्ट हर ऑल चार्म इन लाइफ, ठीक। और खूब रोते रोते उसने ये सारी चीजें बताई और कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे इस चीज़ से ठीक कर दीजिए, मेरे दिमाग से जाती नहीं ये चीज़, मैं बहुत डिप्रेस रहती हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उसको कंसोल करने की कोशिश करी, है ना, मैंने, डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने उससे कहा कि भाई इस एज में इस तरह के इंसिडेंस, इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, लोग बाग आते और जाते रहते हैं। बोले अगर तुम पश्चिम में, वेस्टर्न कंट्रीज में होती तो दे जस्ट इंजॉय द कंपनी, वो कंपनी इंजॉय करते हैं डिफरेंट, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने में बहुत केयरफुल होते हैं वो, ठीक है ना, तो तुम ये सब सारी चीजें भूल जाओ। डॉक्टर साहब ने कहा ये, इसको ये समझो कि ये गुजरती हुई कंडीशन है, ये एक पासिंग फेस है, ये गुजर जाएगी, ऐसा समझाया। तो उसको थोड़ा बहुत कंसोलेशन तो मिला। फिर डॉक्टर साहब ने उसको, डॉक्टर टीपी चटर्जी ने इग्नेशिया 1M के 3 डोज दिए और 15 दिन तक का सेकलेक दिया, एसएल दिया। साथ ही में जैसा कि मैंने बताया था आपको जब डाइट एंड रेजिमेंट की अपन बात कर रहे थे कि एक होम्योपैथ को अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट, चूंकि जब वो समझ चुका है कि उसके पेशेंट, उसकी डोजेस डायनेमिक होते हैं और डायनेमिक डोजेस पे लोअर ग्रॉस चीजों का, केमिकल्स का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो ऐसी चीजें भी अगर वो अपनाएं अपने पेशेंट को डायनेमिक डोज दे क्योर करते करने के दौरान, कि जिससे कि उसका क्योर और तेजी से बढ़े तो और जल्दी ठीक होती है। तो डॉक्टर साहब ने साथ में उसको पैसिफ्लोरा मदर टिंचर भी दी कि तुम रोज 1/4 कप गर्म पानी में रात में सोते टाइम 20 ड्रॉप्स डाल के पीना। अब देखो, एक तरफ उनने इग्नेशिया दी डायनेमिक डोज और दूसरी तरफ रेगुलर में पैसिफ्लोरा दी। तो पैसिफ्लोरा जो है ये मदर टिंचर है, ये एक फिजियोलॉजिकल डोज है और इसका किसी भी तरह का कोई अपनी मेन मेडिसिन इग्नेशिया में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जैसा कि अपन अपने डाइट एंड रेजिमेंट के लेक्चर में बड़े बड़े अपने डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस को सुन चुके हैं। लेकिन पैसिफ्लोरा क्यों दी उनने, देखो मतलब उनने इस तरीके से उसके क्योर को और तेज कर दिया और बढ़ा दिया। क्यों दी पैसिफ्लोरा, भाई पैसिफ्लोरा को आप वैसी समझो जैसे कि आप दिन भर में अपने खानों में कई तरह के मसाले, हल्दी, धनिया, अदरक, ऐसी कितनी चीजें खाते हैं जिसमें ऐसी मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं, वैसे ही पैसिफ्लोरा एक ऐसी दवा है जो मदर टिंचर में यूज की जाती है होम्योपैथी में। और इसके कई, जैसे कई लोग नींद ना आने पे पैसिफ्लोरा देते हैं, लेकिन यहां पे डॉक्टर साहब ने पैसिफ्लोरा क्यों यूज करी,
यहाँ डॉक्टर, क्योंकि एक जगह लिखा हुआ है डॉक्टर बोरिक में, डॉक्टर बोरिक की किताब में, जब हम पैसिफ्लोरा का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होते हो तो डॉक्टर बोरिक का एक एक सेंटेंस अपने आप में एक बहुत मायने रखता है, और डॉक्टर बोरिक उसके इंट्रोडक्शन देते हुए पैसिफ्लोरा का कहते हैं, इट हैज़ अ क्वाइटिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम में जो उपद्रव मचा हुआ है, आपके नर्वस सिस्टम में जो ये बिल्कुल एक्साइटेड स्टेट जो है उसको ये शांत कर देता है, उसमें एक क्वाइटिंग इफेक्ट डालता है। तो पैसिफ्लोरा को जोड़ देने से मतलब पेशेंट का क्योर हैसन हो गया, तेज हो गया। तो क्या कहते हैं डॉक्टर टीपी चटर्जी? डॉक्टर टीपी चटर्जी कहते हैं कि हमने उसको इग्नेशिया 1M के 3 डोज दिए, 15 दिन का SL दिया, और साथ में रोज रात को सोते टाइम 1/4 कप गर्म पानी में 20 बूंद पैसिफ्लोरा क्यू बिकॉज ऑफ इट्स क्वाइटनिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम दे दिया, यही 15 दिन के लिए। जब वो 15 दिन बाद आई तो पहले से बेहतर और पहले से ज्यादा शांत दिखी, और उसने ये फॉलो अप दिया कि अब वो उस चीज से काफी उबर चुकी है, अब मेरे को नींद भी अच्छी आती है, लेकिन अभी भी कभी कभी मुझे उसका ख्याल आ जाता है। तो फिर डॉक्टर टीपी चटर्जी ने फॉलोजवेल, उसकी क्रॉनिक नेट्रमूर 1M का सिंगल डोज दिया, और फिर 15 दिन का उसको SL दिया, और उसके बाद उसने बताई कि वो अब ठीक हो गई है, अब वो अपनी स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट कर रही है, वो फिर से अपनी डांसिंग क्लासेस को उसने ज्वाइन कर लिया, उसको फिर कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। ये डिस्क्रिप्शंस बताने, मैं हमेशा से अपने सुनने वालों से ये कहता हूँ, मेरे से सीखने वालों से कहता हूँ कि डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स जो हुए हैं जेन्युइन, जिनकी जेन्युइननेस पे आपको भरोसा है, उनके केसेस कि कैसे उनने अप्रोच किया, किस तरीके से डोज दिया, किस तरीके से रिपीटिशन दिया, ये सब आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, हाँ? तो इस तरीके से इतने तरह के मोहब्बत से रिलेटेड इतनी तरह की परेशानियों में इग्नेशिया एक आदमी को, एक पेशेंट को उस परेशानी से, उस डिप्रेशन से, उस स्पाइनल सिम्टम्स से, वो दिक्कतें, एक जगह आप रिपर्टरी में देखेंगे तो रिपर्टरी में फीमेल जेनिटलिया में एक रूब्रिक है मेंसेस सप्रेस्ड या मेंसेस एब्सेंट आफ्टर ये अनहैप्पी लव या डिसअपॉइंटेड लव, उसमें भी इग्नेशिया है। ठीक है, एक और, वैसे करीब करीब मैं मोहब्बत से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं इग्नेशिया को, इग्नेशिया के पेशेंट को करीब करीब मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक चीज मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो मुझे पसंद है, और वो है एक डॉक्टर फारूक जी मास्टर का डिस्क्रिप्शन इग्नेशिया के बारे में। डॉक्टर मास्टर जब इग्नेशिया के बारे में बताते हैं तो ये कहते हैं, एक वर्ड याद रखें आप, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस गया। अगर कोई बोले अनहैप्पी लव, मतलब लव रिलेशनशिप में आदमी खुश नहीं, आदमी अगर अपने हस्बैंड के साथ है, ऐसे कोई रिलेशन में है तो उसको खुश होना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसे रिलेशन में अगर वो खुश नहीं है, फंसा हुआ महसूस, और आमतौर पे हिंदुस्तान में क्या होता है, कई जगह ऐसा होता है कि मान लो कोई लड़की है या लड़का है, उनको पसंद नहीं होने के बावजूद फैमिली वाले प्रेशर डाल के शादी कर देते हैं,
फैमिली वालों ने प्रेशर डाल के शादी कर दी, वो लड़का लड़की को पसंद नहीं था, अब शादी तो हो गई, अब वो कर रही है, सब जी रही है, लेकिन वो सोचती है यार फंस गई मैं तो कोई इस तरीके से भी अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करे कि भैया बस तो हम फंस गए हैं इस रिलेशनशिप में, है ना, बिल्कुल खुश नहीं है, किसी तरीके से निकाल रहे हैं। या फिर डॉक्टर फारूक जी मास्टर कहते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन में कोई लड़की काम कर रही है, उसको उसको अपना जॉब पसंद नहीं है और वो वहां का बॉस है वो भी पसंद नहीं है, लेकिन बेचारी जरूरतमंद है, मजबूर है, पैसों की जरूरत है, और वो उसको चाहे पैसे चाहिए, अपने बच्चों को उसको खिलाना है, और वो फंसा हुआ महसूस करे, मतलब छोड़ भी नहीं सक रहे हैं और निगल भी नहीं सक रहे हैं, है ना, उसके बिना जी भी नहीं सकते और उसके साथ जीना भी मुश्किल है। ऐसी रिलेशनशिप में कोई हो, फंसा हुआ महसूस करे, ठीक है, या फिर जवानी के जोश में आके कोई कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करके बिना आगे पीछे सोचे, बिना खानदान देखे, बिना रैंक देखे, बिना कुछ देखे, सिर्फ भावनाओं में बह के, खाली इमोशंस में बह के अगर कोई लड़का शादी कर ले, और कुछ दिनों बाद जब बुखार उतरे, कुछ महीनों बाद, तो उसको समझ में आए कि नहीं भाई, मैं तो चाहता ही नहीं था कि मेरा ऐसा लाइफ पार्टनर हो, ठीक है ना, अब वो फंस गए बच्चों की वजह से, कि आप बच्चों का मुंह देख के फंसे हुए हैं, या फिर उनका रिलीजन उनको इजाजत नहीं देता डिवोर्स वगैरह करने की। अब ऐसे रिलेशनशिप में जो लोग फंसे हुए हैं और दुखी रहते हैं और उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो बीमार पड़ रहे हैं। अक्सर इग्नेशिया की लेडीज ये कहते हुए, इग्नेशिया के पेरेंट हस्बैंड ही कहते हुए मिल जाएंगे कि डॉक्टर साहब मैं तो बच्चों का मुंह देख के अपनी जिम्मेदारी, बिकॉज इग्नेशिया आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो अपनी जिम्मेदारी को, आइडियलिस्टिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, बस बच्चों का मुंह देख के बस सब झेल रहा हूं, ठीक है ना, नहीं तो कब का छोड़ दिया होता मैंने। ये एक आम जुमला होता है इग्निशिया के केसेस में। ओके, तो आप को अब ये एक इग्निशिया कैसे मोहब्बत की वजह से, किस तरीके से लोग बाग इस इमोशंस की वजह से अगर किस तरह से परेशानी उठा रहे हो, तो इग्निशिया से हम उनकी मदद कर सकते हैं, इग्निशिया से हम उनको क्योर कर सकते हैं, ये इसके बारे में बताया है ना। अब देखो, अब मैं बिल्कुल एक रैपिड फायर राउंड की तरह, एक रैपिड फायर राउंड की तरह इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स जो दिए हुए हैं, लिखने की कोशिश मत करना उसको, खाली ध्यान से आप सुनो, अभी मत ढूंढना, बाद में लेक्चर सुनते हुए ढूंढना, ठीक है ना, अभी आप सिर्फ ध्यान से सुने कि जैसे कि डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में जब अपन चलते हैं, डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में प्यार मोहब्बत से संबंधित, इग्नेशिया से रिलेटेड 26 रूब्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन नाम का जो उसका चैप्टर है मर्फी में, ठीक है ना, उस चैप्टर में, मर्फी की रिपर्टरी में कॉन्स्टिट्यूशन नाम के चैप्टर में दिया हुआ है, दो रूब्रिक्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है सैंग्वाइन कॉन्स्टिट्यूशन रोमांटिक फॉल्स इन लव्स इजीली, आसान, रोमांटिक लोग जो आसानी से मोहब्बत में पड़ जाते हैं, सैंग्वाइन कॉन्स्टिट्यूशन, सैंग्वाइन मतलब काफी चुस्त फुर्ती वाले लोग, सुस्त लोग नहीं, सैंग्वाइन यानी ब्लड जैसा, ब्लड बड़ी तेजी से मूव करता है, गर्म रहता है, वैसा ही अगर आदमी का नेचर हो, ठीक। फिर एक जगह इसी में एक रूब्रिक है सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशन फॉल्स इजीली इन लव, आसानी से मोहब्बत में पड़ जाए जो रोमांटिक हो, और जो लोग कोई मेंटल टेंशन या कोई भी मेंटल एजिटेशन या कोई भी मानसिक उत्तेजना में जब आए तो उनको क्लोनिक स्पाज्म आने लगे, क्लोनिक स्पाज्म यानी कि झटके वाले कन्वर्जेंस, टोनिक स्पाज्म यानी कि ऐंठने वाले कन्वर्जेंस, क्लोनिक स्पाज्म वाले
झटके वाले कन्वर्जेंस, है ना, यू शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो ऐसे जिनको झटके वटके आने लग जाते हैं और जाके जांच कराते हैं ईईजी, तो ईईजी तो नॉर्मल है, मतलब इनको मिर्गी है ही नहीं, ब्रेन में सीटी स्कैन एमआरआई कराया, ब्रेन में कोई पैथोलॉजी भी नहीं है, कोई ट्यूमर उमर भी नहीं है, सब एब्सोल्युटली नॉर्मल है, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर इसको क्यों झटके आते हैं भाई। तो जब कोई कारण नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं हिस्टेरिकल कन्वर्जन, बिकॉज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट रेमेडी ऑफ हिस्टीरिया इज इग्नेशिया, एक बहुत ही प्रोमिनेंट रेमेडी है, तो याद रखें। फिर डिजीज नाम के चैप्टर में अपन जाते हैं, तो डिजीज नाम के चैप्टर में एक रूब्रिक दिया हुआ है, कैटेलेप्सी फ्रॉम अनरिक्वाइटेड लव, एक तरफा मोहब्बत की परेशान से जो परेशान है उनको कैटेलेप्सी हो जाना। कैटेलेप्सी मतलब बताया था ना, बेहोश होकर अनकॉन्शियस हो जाना और ऐसे रिजिड हो जाना, गिर जाना ऐसे, इस तरह की प्रॉब्लम आए। फीमेल जो चैप्टर है डॉक्टर मर्फी की रिपर्ट्री का, उसमें भी दो रूब्रिक दिए हैं, उसमें एक दिया हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ मेंसेस फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, मेंसेस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो और उसके वो कब से शुरू हुई हो, जब मोहब्बत में लव में डिसअपॉइंटमेंट उठाया उसके बाद से हार्मोनल सिस्टम बिगड़ गया और मेंसेस से संबंधित प्रॉब्लम आने लग गई। इग्नेशिया इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट रेमेडी इफ टोटेलिटी मिल रही है तो। ठीक, फिर फीमेल में ही चैप्टर में दिया हुआ है मेंसेस सप्रेस्ड, महीना आना बंद हो जाए, महीना दब जाए फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, मोहब्बत में डिसअपॉइंटमेंट में। इस तरीके से माइंड चैप्टर में 19 रूब्रिक्स दिए हुए हैं, सब में मिल जाएगी आपको रूब्रिक, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, लव सिक, एलिमेंट्स फ्रॉम अनरिक्वाइटेड लव, है ना, लव विद ए मैरिड मैन, और ये दुनिया भर की चीजें आपको माइंड चैप्टर में मिल जाएंगी। जेलेसी फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, ठीक है ना, बहुत जलन हो जाना। और इसी तरीके से जो लोग बहुत निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन, सैडनेस फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, कोई ऐसा हो गया था फिर प्यार मोहब्बत में डिसअपॉइंटमेंट हो गया था उसके बाद से ये डिप्रेस रहते हैं। इग्नेशिया इज वन ऑफ द रेमेडी, टोटैलिटी हमेशा मिलना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि डिसअपॉइंटेड लव के बैड इफेक्ट्स में और भी रेमेडीज हैं, लेकिन कारण एक होता है, कॉजेशन, एक्साइटिंग कॉज मे बी वन बट रिस्पॉन्स मे बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर एंड दैट डिफरेंस, डिफरेंट रिस्पॉन्स कॉन्स्टिट्यूट इंडिविजुअलिटी एंड दैट इंडिविजुअलिटी मस्ट ओनली लीड यू टू द मेडिसिन, रेमेडी। तो हमेशा ध्यान रखना कि टोटैलिटी होना बहुत जरूरी है एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन की जगह, नहीं तो अगर आपने सिर्फ सिम्टम्स नहीं देखे, आपने डिसअपॉइंटेड लव देख के दे दिया इग्नेशिया, और हो सकता है वो केलकेरिया फॉस का पेशेंट था। नेक्स्ट में अपन इन सब रेमेडीज जो प्रोमिनेंट है बात करेंगे, तो हो सकता है उसको खाली पेलिएटिव इफेक्ट मिले, टोटल रिलीफ ना मिले, और उसके बाद आप खुद डिप्रेशन डिसअपॉइंटमेंट में आओ, आपको खुद इग्नेशिया खाना पड़े कि अरे यार बड़ी उम्मीद से इग्नेशिया दी थी उसको फायदा नहीं हुआ, आप खुद डिसअपॉइंटमेंट के पेशेंट हो जाए। वैसे भी इग्नेशिया मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से रीसेंट कोई भी झटका हो, तुरंत तुरंत का कोई भी मानसिक झटका हो, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे मोहब्बत की वजह से हो, चाहे दुख की वजह से हो, चाहे डिसअपॉइंटमेंट, एग्जाम दिया था, बड़ी उम्मीद लगाई थी, बहुत मेहनत करी थी कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ, कोई आपकी बड़ी कीमती, बहुत बेहतरीन चीज, आपके किसी बहुत चाहने वाले ने, आपके अब्बू ने, आपके फादर ने आपको कोई बहुत बेहतरीन शानदार सेल फोन गिफ्ट किया था, आप उसको अपनी जान से ज्यादा चाहते थे और आज वो कहीं गिर गया, वो कहीं खो गया या चोरी हो गया, आपका पर्स गिर गया, चोरी हो गया, ऐसी चीजें, और ऐसा जो ये झटके लगते हैं, इन झटकों से भी इग्नेशिया उबारने के लिए
एक बहुत ही जबरदस्त आजमाई हुई दमदार रेमेडी है, ठीक है। सो गो थ्रू ऑल द रूब्रिक्स रिलेटेड टू लव इन डॉक्टर मर्फीज रिपर्टरी, इन सिंथेसिस रिपर्टरी, इन कंप्लीट रिपर्टरी। जितना हो सके अपने आप को रिपीटेड एक्सपोजर दो, जितना हो सके आप अपने आप को इनरिच करो, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।